हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इजी इंग्लिश क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के सप्लीमेंट्री सेशन का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इस चैप्टर की दो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है और उनको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उनको पढ़ लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को पढ़ना शुरू करिए, ताकि पूरे चैप्टर की समरी अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो सके और समझ में आ जाए। आइए फ्रेंड्स, अपना वक्त ज़ाया न करते हुए इस लेसन की समरी समझना शुरू करते हैं, हिंदी अर्थ समझना शुरू करते हैं। नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, ने जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, हियर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना, वेल जब इन सेड, ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डिफाइंटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी वह उसने कहा कि वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा, यानी अवश्य ही वह लड़का न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। किसके न्याय सिंहासन पर? विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर, यानी उसके जजमेंट की चर्चा दूर दराज तक फैल चुकी थी। जब उस राजा ने सुना, जो उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, तो उसके अंदर ये विचार आया कि वो लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान एकदम सही था, एकदम ठीक था। एज द रुइंस अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्यास पैलेस, यानी वो जो खंडहर है, जो टूट गया, जो खंडहर पड़ा है, वो विक्रमादित्य का न्याय सिंह विक्रमादित्य का महल था। If just sitting on the mound brings wisdom and justice to the shepherd boy, यदि केवल उस पर बैठने मात्र से ही लड़के चरवाहे के लड़के में बुद्धिमत्ता और न्याय की ज्योति आ सकती है, किस पर? सिंहासन पर बैठने मात्र से ही। तो ही थॉट, उसने सोचा कि लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, तो आओ उसको गहरा खोद करके उसको निकाल लिया जाए, उसको प्राप्त कर लिया जाए। आई टू, मैं भी, शेल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस, मैं इस पर बैठूंगा और मुकदमात को केसेज को सुनूंगा। देन तब द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, तब सेम उसी तरह से हमारे अंदर भी विक्रमादित्य की आत्मा प्रवेश करेगी, जिस तरह से उस लड़के के अंदर प्रवेश करती है। एंड और आई शल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, मैं हमेशा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊँगा। सो इसलिए विद द स्पेड्स एंड शोवेल्स, यानी फावड़े और कुदाल को लाया गया, द ग्रास नोल वर द बॉयज प्लेड वॉज ओवर टर्न्ड, उस टीले को खोदा गया, घास के टीले को, ने उस खंडहर को खोदा गया जहां पर लड़के खेला करते थे। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल, वो लड़का जो स्वयं जज बना करता था बहुत दुखी था। ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बींग टाकन अवे, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उससे कोई अति प्रिय वस्तु छीनी जा रही है, नहीं बहुत पसंदीदा चीज़ छीनी जा रही है। भाई वो लड़का कर भी क्या कर सकता था, क्योंकि राजा महाराजा का मसला था, वो खुदवा रहे थे, तो बेचारा देख करके बहुत दुखी था। एट लास्ट, अंत में द लेबर्स केम ऑन टू समथिंग, यानी उस जब खोदना शुरू कर दिया तो खोदते खोदते उसके उन्होंने एक ऐसी चीज़ को देखा, किसी चीज़ को देखा, दे अनकॉर्ड इट, उन्होंने उसको बाहर निकाला, एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, तो वो काले संगमरमर का तख्त था, उसको बाहर निकाल कर लाए, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंगल्स, यानी वो 25 देवदूत के हाथों और पंखों के सहारे टिका हुआ था। देखिए
क्या एंजल्स है, स्टोन एंजल्स यानी पत्थर के देवदूत, जो 25 पत्थर के देवदूत थे उनके हाथों और पंखों पर टिका हुआ था। श्योरली निश्चित रूप से इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजोइसिंग, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसको नगर में लाया गया, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय कक्ष में इसको रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्सर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग, एंड अनाउंस्ड दैट ऑन द 4th day ही वुड एसेंड द थ्रोन पब्लिसी, यानी राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन तक के लिए उपवास रखने और प्रार्थना करने के लिए ऑर्डर दिया, यानी आदेश दिया, और 4th दिन उसने सार्वजनिक रूप से न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। एट लास्ट, अंत में द ग्रेट मॉर्निंग केम, वो महान सुबह आई, यानी वो सुबह आ गई जिस दिन वो बैठने वाला था। एंड क्राउड असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और उसके न्याय सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए काफ़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम्स ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग, राजा के अनुयायी और राज्य के पुजारी और न्यायाधीश भी आए हुए थे। देन तब एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, यानी वो न्याय सिंहासन के करीब पहुंचा, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, यानी जो जब वहाँ पर राजा जब पहुंचा तो वहाँ पर पंक्तियाँ यानी पब्लिक की भीड़ लगी हुई थी, वो 2 भाग में डिवाइड हो गए, बट गए थोड़े इधर हो गए थोड़े उधर हो गए, इस तरीके से बट गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, राजा उनके बीच से गुजरता हुआ आगे पहुंचा। बॉड हिज हेड, बॉड मीन्स होता है झुकाना, हिज मीन्स अपना, हेड मीन्स सिर, और इन रेवरेंस यानी बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत अदब व एहतराम के साथ अपने सिर को झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, वो ने जो पत्थर जो तख्त था जो संगमरमर के पत्थर का जो तख्त था उसके करीब पहुंचा। व्हेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, यानी राजा उस सिंहासन पर बैठने ही वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगैन टू स्पीक, यानी देवदूतों में से एक ने बोलना शुरू किया, स्टॉप रुको, ही इट सेड, उसने कहा, देखिए ये इट देवदूत के लिए प्रयोग किया गया है, इट सेड उसने कहा रुको, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम अपने आप को विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य समझते हो, काबिल समझते हो, हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन, क्या तुमने कभी उन राज्यों पर राज करने की कोशिश नहीं की या जो आपके अपने नहीं थे। फॉर ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक, कुछ समय तक राजा नहीं सोच सका ऑफ एन आंसर, और ना ही उसका कोई जवाब दे सका। ही न्यू हिज लाइफ वॉज अनजस्ट, वह जानता था कि उसका जीवन उसकी जिंदगी अन्यायी है, यानी न्यायपूर्ण नहीं है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, यानी लंबे समय तक खामोश रहने के बाद ही स्पोक, वह बोला, नो नहीं, ही सेड उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, देखिए देवदूत कह रहा जाओ और 3 दिन तक के लिए प्रार्थना करो, 3 दिन तक के लिए प्रार्थना करो और उपवास रखो। सेड द एंजल, देवदूत ने कहा, सो दैट ताकि यू मे प्योरिफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, ताकि तुम अपने आप को पवित्र कर सको और इस सिंहासन पर बैठने के योग बना सको। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ इट स्प्रीड, उसने फैलाया इट्स विंग्स अपने पंखों को, एंड फ्लू अवे और उड़ गया, कौन, देवदूत। द किंग प्रेपर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया विद द प्रेयर प्रार्थना करके, एंड विद फास्टिंग और उपवास रख के, टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए, वो पुनः बैठने के लिए
पुनः बैठने के लिए आया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी सेम वही घटित हुआ जो इससे पहले घटित हो चुका था। एनोदर स्टोन एंजल्स आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोजेसेस द रिचेस ऑफ अदर्स, दूसरे देवदूत ने पूछा क्या तुमने कभी किसी की धन संपत्ति को लेने की कोशिश नहीं की है जो आपके अपनी संपत्ति नहीं थी। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, उसने कबूल किया दैट की ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है। एंड और देयर फॉर, इसलिए ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वो न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है, उस पर बैठने के काबिल नहीं है। इन दिस वे, इस तरीके से, व्हेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपी द थ्रोन, इस तरीके से जब राजा ने बैठने की कोशिश की, ही वॉज क्वेश्चन्ड बाई एन एंजल, तो उसके एक देवदूत के द्वारा उससे प्रश्न किया गया। एंड ही हैड टू विदड्रॉ, और उसको उससे सिंहासन से अलग होना पड़ा। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और ये सिलसिला तब तक चलता रहा, वेंट ऑन मीन्स होता जारी रहना, यानी ये सिलसिला तब तक के जारी रहा जब तक कि एक देवदूत बचा तब तक ये सिलसिला जारी रहा, यानी एक के बाद एक देवदूत वो प्रश्न करता गया और वो हटता गया, और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब लास्ट में एक देवदूत बचा तब तक। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा वेंट नियर द थ्रोन, यानी उस सिंहासन के करीब पहुंचा पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके करीब पहुंचा। फॉर, क्योंकि ही फेल्ट श्योर, उसको यकीन हो गया था, पूर्ण रूप से उसको विश्वास था। ऑफ बींग अलोड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, कि उस दिन उसको सिंहासन ग्रहण करने की अनुमति मिल जाएगी, इजाजत मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जो ही वो उस सीट के न्याय सिंहासन के करीब पहुंचा, द लॉस्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत ने बोला, उसने कहा, आर यू, क्या तुम देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, और राजा क्या तुम दिल से अपने आप को पवित्र शुद्ध मानते हो, पूर्ण रूप से शुद्ध मानते हो, पवित्र मानते हो। Is your heart as pure as that of a little child? क्या आपका हृदय उतना ही पवित्र है जितना कि उस लड़के का पवित्र था? If so, यदि ऐसा है, you are indeed worthy to sit on this seat, यदि आपका हृदय उतना ही पवित्र है तो तुम वास्तव में इस पर बैठने के योग्य हो, बैठने के काबिल हो। इंडीड मिस होता है वास्तव में, वर्दी मिस होता है योग्य होना, अर्थात उस किसी चीज़ के काबिल होना। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं, नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फिल यू अप इन टू द स्काई, एंड एट दीज, और इन शब्दों के साथ देवदूत अप इन टू द स्काई, ऊपर आकाश में उड़ गया। बियरिंग स्लैब अपॉन हिज हेड, एंड उस तख्त को अपने सिर पर रखे हुए उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, इस तरीके से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा के लिए पृथ्वी से विलुप्त हो गया। फ्रेंड्स, यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।